आज कौन तारीख है? 25 सितंबर 2022। देखिए दीपेश जी, आप उस दिन भी एक मजबूरी बताए, आज आने के लिए आपने कहा, फिर भी नहीं आए, आपका फ़ोन भी नहीं आया। यही हमको बड़ा खल जाता है। जो कहिए अलर्ट रहिए। अब ये हमारा आदमी आया सुबह से, एक चार रोटी इसने बंदर के लिए बनाया। फिर वो बुड्ढे को मैंने बुलाया था, उस इन्हीं का रिश्तेदार भी है, लेकिन वो उसका दिमाग काम नहीं करता, वो शायद भूल ही गया होगा। संगठन अभी कहीं न है। अब बताइए बिहान हम, अरे तुमका जब बुलावा जाए तब तुम ससुर मरो आए कि वहाँ एक यानी खाना पूर्ति, वो क्या दिमागो नहीं अब काम करे, कितना पियत है वह, वो क्या दिमाग सूख गवा है। खैर तो अब ये आप चलिए अपना खाना खाइए जल्दी से, उसके बाद में फिर ये आटा 25 किलो आटा रहा ना ये। हाँ। और वही बुढ़ा कहे, अरे ये तो 20 किलो जनात है अंदाज, उसका दिमाग काम तो करता नहीं है। खैर चलिए आप जल्दी खाना खाइए, तुरंत आइए, मोबाइल न देखिएगा बैठ के। हाँ क्योंकि ये रोटी आधी रोटी बनेगी और आधी में बनते हुए उसी में बंदर भोज भी हमको करना है ना भाई, बंदर भोज के लिए भी चलना है। तो अगर वो लड़की आती भी है मान लीजिए, तो उसे बता देंगे भैया इसमें अगर तुम भी अलग चूल्हा देके तुम भी बना दो लकड़ी की। बना दिया बाबा चूल्हा एक। हाँ बड़ा सा एक बड़ा बना हुआ उधर। अच्छा अरे नहीं नहीं वही तो नहीं ठीक किया, लेकिन उसमें बड़ा तवा नहीं है ना दीपेश जी, हम खाम खाइए, हम किस जिम्मा आप नहीं लिया करेंगे महाराज, अब आप लोग स्वयं करो, जिम्मा आप नहीं लेंगे। हर बार हम जिम्मा ले लेते हैं कि हाँ हाँ हो जाएगा, अब आप गोल हो गए, अब तवा आ जाना जरूरी था, कल था शनिवार, कल हम थे भी नहीं यहाँ पर, तो मतलब आप ही का काम है। आप लोग अगर वही एक ही चुस्त गवा चुस्त तो वही हाल है, तो हमें बहुत खल जाता है। बहुत जबान से जो बात कीजिए पक्का कीजिए, वरना हमको माफ़ कीजिए, हम भैया इतने फालतू नहीं है कि हम अपना हमारी कल के दिन देखा आपने, आप लोग वीडियो देखो पहले, हैं कहाँ से बंदर यादव जी लेके आए, किस तरह फिर दामाद जी को हमारे बेटी ने भेजा लखनऊ से भाग के आए, तो हम लोग उस किस्म का हैं जो हम लोगों की बराबरी करने वाला लोगों को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, आप लोग जानते भी हैं और जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं, खल गया हमको। आपने परसों कहा कि हाँ हम कल चलेंगे तवा ले आएंगे, अब बताओ ये 25 किलो आटा अब ये अकेले इस आदमी का बस का है? सुबह से 9 बजे से आए हो ना भैया तुम, 9 बजे में 10 मिनट बाकी थी, जब तुम आते हो आए हो ना, तब वो बंदर के लिए चार ठो रोटी ही तो बनाया है आपने और बाकी आटा सान दें, हम समझे कि रोटी तुम्हारी बन रही होगी, लेकिन आटा सानने में इतना समय लगा, टाइम लगा, फिर आटा भाई अब बिगाड़ तो तुमसे होगा नहीं, हम जानते हैं काले से आटे को मारा है तुमने, अभी फाटक हो रहा है तो घोड़े भैया को देखो, घोड़े के जब उधर दाना बनाने के लिए इस घोड़े को उस पार या तो इसको बांध देना है यहाँ पर रस्सी से है ना, मतलब इधर निगाह रखना जहाँ फूल उल लगा है, तो हमारी आदत हम सब कहते हाँ 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 ये और देखते हैं आप दो गोद हो जाते हैं, हैं अब उसकी रोटी कैसे बनेगी, हैं कहाँ है तवा, चूल्हा किसने बना लिया, तब अब हम भी आदमी हम सुबह से लेटे, हमने कहा रोटी बन रही है लाओ थोड़ा हम सो लें, तो हम अभी आराम कर रहे थे सो रहे थे, हम यही लिए मोबाइल लेके निकले, हम कहा जनो रोटी चलो बड़ी बड़ी रोटी बन गई हुई तो हम एक वीडियो बनाई दे बस खाओ बेटा मोबाइल न देखना ठीक, खाओ बस तुरंत लग जाओ, जैसा काम देखो जैसा समय देखो उसी हिसाब से छुट्टी करो उसी हिसाब से काम करो। तो आज जो सुबह हमको बंदर के लिए जाना था वो रोटी भी नहीं थी, कल जो कल वाली आज वाली रोटी जो यहाँ खिलाना था वो रोटी लेकर के हम लोग कल भंवरे छूट चले गए थे। तो चलें बस यही तो देखिए मतलब जो काम कीजिए साफ कीजिए कहिए जो और करिए कुछ, ये हमको खल जाता है, हम सहारे भर हमको मेरे पास इतना समय नहीं, हम फालतू में हम भी खुद अपनी बेवकूफ़ी का हमको किसी के जेब में नहीं लेना चाहिए, नहीं साहब आप हमसे जो सहायता चाहते हो हमसे ले लो, लेकिन जिम्मेदारी मत हमारे ऊपर डालो कि रोटी बनवा दीजिएगा,
अब रोटी बनवा लिया, बताओ सुबह से अभी तक आटे चलना, अभी क्या टाइम हुआ होगा, 12:30 होगा, 12:15 है हमारे ख्याल से, बताइए आधा दिन। अरे चार रोटी इन्होंने, चार पांच रोटी, तो वो कुल क्या रोटी बनी होगी बंदर के लिए, 8 रोटी। ये सुबह आए हैं, देखिए सामने बैठे हैं दीपेश जी, 8 रोटी, वहीं चूल्हे के पास रोटी रखी है, नहीं वहीं पर अंदर रख दिया, ठीक, बस आप इनका काम को देखिए आप तब। अरे सुबह से लगे हैं, इबे नहीं कि कहीं घूम रहे हों या बैठे हों, तो बूंदाबांदी हो रही। चलो भैया थोड़ा उधर चलो, चलो उधर चलो, चल के वहाँ 8 रोटी बनी है, चलो अभी बूंदाबांदी हो रही है, आज सुबह से मौसम बड़ा गड़बड़ चल रहा है, फालतू हम दे देते हैं, नहीं साहब आप लोग अपना तैयारी किया, हमारे मत्थे मत रहो कि आप ऐसा कराओ वैसा कराओ, हम बार बार गलती करते हैं और आप लोग वादा खिलाफी करते हैं। कल आपने कहा था कि परसों शाम को कि साहब बच्चा है रो रहा है नहीं आए, और कल मैं चल के तवा खरी, अरे साथ चलेंगे हमको सहारा हो जाएगा, या हम आप ही को पैसा दे देंगे तो महाराज जाके तवा खरीद लाओ, अब तवा खरीदना है तो हम आटा सनमाए तो हम, अरे हमारे पास खुले डोनेट कार्ड का सामान भरा है, हम उन्हीं लोगों का काम नहीं कर पा रहे हैं तो हम और लोगों का काम क्या करेंगे, हम मदद भी करें और फिर हम चूतिया बने, धोखा हमको धोखा ना दिया जाए। देख रहे हैं या बस इतने ही रोटी, सुबह का आदमी आया है, इतने रोटी बनाया है आज के लिए, यहाँ के लिए, बंदर के लिए, और उसके बाद हमने कहा अच्छा चलो भाई, देखा मौसम गड़बड़, हम कहा चलो हम थोड़ा आराम कर लें, और वहाँ वो उस बुढ़े ने धोखा दिया, हम भी जानते रहे थे भरोसे का आदमी नहीं है वो, हमने कहा मारो गोली, हम चाह रहे थे कि आपका 150 में काम बन जाए, तब यही इतनी रोटी बनी सुबह से आए हैं, इसलिए रोटी बना के तोड़ के रखी हुई है, इसके बाद ये आपका आटा घान के घान सना पड़ा है, अब ये